आज बहुत अच्छी बात आप लोगों के लिए अपने हृदय में उतार कर रखिएगा। आपको लगे कि आपका बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहा है, या जॉब की बहू तैयारी कर रही है, बेटी तैयारी कर रही है, वो खूब मेहनत करे, आपका बेटा भी मेहनत करे, बहू भी मेहनत करे, बेटी भी मेहनत करे, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं खूब मेहनत करो दिल से। पर घर का यदि एक व्यक्ति भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सफाई कर देता है और एक शिवलिंग का निर्माण कर पूजन कर 5 बेलपत्र समर्पित कर बाबा से ये प्रार्थना कर लेता है कि उसका इंटरव्यू है, उसको पास होना चाहिए, उसकी नौकरी लगना चाहिए, मेरा देव अधिदेव महादेव अगर आपने सोमवार की अष्टमी को ये करा है, या शिवरात्रि 12 महीने आती है किसी भी शिवरात्रि पर करा है, या सोमवार के दिन करा है, या प्रदोष के दिन करा है, तो उसका फल आपको मिलता जरूर है और उसकी जॉब लगती जरूर है। एक बेलपत्र के नीचे जो झाड़ू लगाई, बुआरी लगाई, सफाई करी, शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करा और 5 बेलपत्र जो समर्पित करा, वो सहज नहीं। नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। जैसे कि दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा, गुरुजी ने बताया सरकारी नौकरी के लिए ये जो उपाय बताया, आप इसे अवश्य करेंगे, इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। कैसे करना है, 5 बेलपत्र का उपाय है मात्र, आप इसे अवश्य करेगा, इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।